अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जे सिविल सर्विसेज़ सो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ह्यूमन बॉडी फैक्ट्स ओके कुछ इम्पॉर्टेंट ह्यूमन बॉडी फैक्ट्स हम देखेंगे जहाँ से एम सी क्यूज़ ऑलरेडी आ चुके हैं एग्ज़ाम्स में ठीक है और जहाँ से एम सी क्यूज़ आगे भी आ सकते हैं ठीक है तो हम कुछ इम्पॉर्टेंट ह्यूमन बॉडी फैक्ट्स देखेंगे ओके फर्स्ट वन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी ओके हमारी ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है दैट इज सिकिन ओके नेक्स्ट वन नंबर ऑफ बोन्स इन एन एडल्ट ह्यूमन एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में कितनी बोन्स प्रेजेंट होती है दैट इज टू हंड्रेड एंड सिक्स टू हंड्रेड सिक्स इज द नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट इन एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग ओके नंबर ऑफ बोन्स इन न्यूबॉर्न ह्यूमन बेबी एक न्यू बॉर्न ह्यूमन बेबी में कितने नंबर ऑफ बोन्स होते हैं थ्री हंड्रेड होते हैं ठीक है और फिर कुछ बोन्स फ्यूज के उनका नंबर डिक्रीज हो जाता है और क्या बन जाता है टू हंड्रेड एंड सिक्स ओके नेक्स्ट वन नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी में कितने मसल्स होते हैं दैट इज सिक्स हंड्रेड एंड थर्टी नाइन नेक्स्ट वन विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है ठीक है लीवर होता है ओके लार्जेस्ट जॉइंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट जॉइंट कौन सा होता है दैट इज नी जॉइंट ओके नी ज्वाइंट इज द लार्जेस्ट जॉइंट ऑफ ह्यूमन बॉडी नेक्स्ट वन स्मॉलेस्ट जॉइंट ऑफ ह्यूमन बॉडी बॉडी का स्मॉलेस्ट जॉइंट कौन सा होता है दट इज इनक्यूडोस्टापडियल जॉइंट ओके इनक्यूडोस्टापडियल जॉइंट इज द स्मॉलेस्ट जॉइंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी और इनक्यूडोस्टापडियल जॉइंट कहाँ पर प्रेजेंट होता है दैट इज प्रेजेंट इन मिडल ईयर मिडल ईयर ओके इनक्यूडोस्टापडियल जॉइंट इज प्रेजेंट इन द मिडल ईयर एंड इट्स द स्मॉलेस्ट जॉइंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी नेक्स्ट वन विच इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गनली ऑफ द सेल ओके सेल का लार्जेस्ट ऑर्गनली कौन सा होता है दैट इज न्यूक्लियस विच इज़ द लार्जेस्ट कैविटी ऑफ द बॉडी हमारी बॉडी की लार्जेस्ट कैविटी कौन सी होती है दैट इज एबडामल कैविटी ओके नेक्स्ट वन लार्जेस्ट पार्ट ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सॉरी इट्स नॉट लार्जेस्ट पार्ट इट्स द लॉन्गेस्ट पार्ट ओके लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में फ़र्क है अगर लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ गैस्ट्रो इंटस्टाइनल ट्रैक्ट आए तो क्या होते हैं स्मॉल इंटस्टाइनस ओके और अगर लार्जेस्ट पार्ट ऑफ गैस्ट्रो इंटस्टाइनल ट्रैक्ट आया फिर क्या है लार्ज इंटस्टाइंस ओके large intestines are the largest part of gastrointestinal tract and small intestines are the longest part of the gastrointestinal tract sorry next one largest artery in human body which is the largest artery in human body that is aorta okay next one smallest artery in the human body and the answer is arteriole

चार होते हैं ओके okay? दो होते हैं एट्रियम या जिनको हम ऑरिकल्स कहते हैं और दो होते हैं वेंट्रिकल्स ओके सो टोटल नंबर ऑफ चैम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट इज़ फोर नेक्स्ट वन व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ द ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है दैट इज़ वन ट्वेंटी बाई एटी एम एम एच जी वन ट्वेंटी एंड एट्टी डायस्टोलिक ओके नेक्स्ट वन व्हाट इज़ द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड ह्यूमन ब्लड में पढ़ा था हमने पीएच क्या होता है ब्लड का ठीक है दैट इज सेवन पॉइंट फोर नेक्स्ट वन व्हिच इज़ द लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है दैट इज़ एग सेल व्हिच इज़ प्रेजेंट इन फीमेल्स ओके ओ एम इज़ द लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ स्पर्म ओके जो कि मेल्स में प्रजेंट होता है लार्जेस्ट सेल एग्सेल होती है या यू कैन से ओ एम एंड द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ़ ह्यूमन बॉडी इज़ स्पर्म विच इज़ प्रजेंट इन मेल्स ओके नेक्स्ट वन इज़ लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉगेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट और स्ट्रोंगेस्ट बोन कौन सी होती है दैट इज फेम्योर बोन ओके ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है थाई में ठीक है इट्स आल्सो कॉल्ड एज थाई बोन विच इज़ द लार्जेस्ट एंड स्ट्रांगेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी नेक्स्ट वन विच इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है स्टेप्स विच इज़ प्रजेंट इन ईयर ओके स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज स्टेट्स नेक्स्ट वन लार्जेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट मसल कौन सी है दट इज़ ग्ल्यूटियस मैक्सिमस ग्लूटियस मैक्सिमस इज द लार्जेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी विच इज़ प्रजेंट इन हिप ओके हिप में प्रजेंट होती है कौन ग्ल्यूटियस मैक्सिमस जिसको हम क्या कहते हैं लार्जेस्ट मसल ऑफ द ह्यूमन बॉडी मसल ओके लार्जेस्ट बोन कौन सी होती है फेम्योर और मसल कौन सी होती है ग्ल्यूटियस मैक्सिमस ओके इस तरह से स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है दैट इज स्टेट्स ओके और स्मॉलेस्ट मसल कौन सी होती है दैट इज स्टेपिडियस स्टेपडियस विच इज ऑल्सो प्रेजेंट इन एयर ओके मसल कौन सी होती है स्टेपडियस और बोन कौन सी होती है स्टेट्स ओके बोन स्टेप्स एंड मसल स्टेपडियज नेक्स्ट वन लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी कौन सी होती है न्यूरोन होती है और इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज नर्व सेल अगर लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी आएँ तो दैट इज़ न्यूरॉन और नर्व सेल और अगर लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी आए तो लार्जेस्ट कौन सी होती है एक्सेल और यू कैन से ओ एम ओके हार्डेस्ट पार्ट इन ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट कौन सा होता है हार्डेस्ट दैट इज एनामल ओके नेक्स्ट वन नंबर ऑफ बोन्स इन क्रेनियम क्रेनियम में कितने बोन्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज एट ओके नेक्स्ट वट वॉज द फर्स्ट ऑर्गन टू बी ट्रांसप्लांटेड कौन सा पहला ऑर्गन था जिसको ट्रांसप्लांट किया गया दैट इज किडनी ओके किडनी वॉज द फर्स्ट ऑर्गन टू बी ट्रांसप्लांटेड नेक्स्ट वन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमस ह्यूमन्स का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस और नाइन्टी एट पॉइंट सिक्स डिग्री फेरनहाइट ओके यू कैन से नाइन्टी एट पॉइंट सिक्स डिग्री फेरन हाइट और यू कैन से थर्टी सेवन डिग्री सेल्शियस नेक्स्ट वॉट इज़ द एवरेज ब्लड इन ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी का एवरेज ब्लड कितना होता है हमने ह्यूमन ब्लड में पढ़ा था ठीक है अगर लीटर्स में कहा जाए तो फाइव लीटर्स और अगर पॉइंट्स में कहा जाए तो टेन पॉइंट फाइव पॉइंट्स ओके फाइव लीटर्स ऑफ ब्लड और टेन पॉइंट फाइव पाइंट्स ऑफ ब्लड नेक्स्ट वन विच इज़ द बिजिएस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी का बिजीएस्ट ऑर्गन कौन सा होता है दैट इज लीवर ओके नेक्स्ट वन वॉट इज द नॉर्मल आर बी सी रेंज इन मेल्स मैन जो होते हैं उनमें नॉर्मल आर बी सी रेंज क्या होता है दैट इज फोर पॉइंट सेवन टू सिक्स पॉइंट वन मिलियन पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड ओके ये किस में होता है पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड नेक्स्ट वन नॉर्मल आर बी सी रेंज इन वुमेन वुमेन में कितना होता है फ़ोर पॉइंट टू टू फाइव पॉइंट फोर मिलियन पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड ओके और अगर चिल्ड्रन की बात की जाए तो चिल्ड्रन में क्या होता है नॉर्मल आर बी सी रेंज दैट इज़ फोर टू फाइव पॉइंट फाइव मिलियन पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड ओके इट्स नॉर्मल आर बी सी रेंज इन चिल्ड्रन नेक्स्ट वन बात की जाए डब्ल्यू बी सी रेंज की तो मैन और चिल्ड्रन में क्या होता है दैट इज़ फाइव थाउजेंड टू टैन थाउजेंड सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड मैन और चिल्ड्रन में सेम होता है क्या होता है फ़ाइव थाउजेंड टू टैन थाउजेंड सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड और व्यूमेन में कितना होता है फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड टू एलेवन थाउजेंड सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड ये किन में होता है व्यूमेन में ठीक है उसके बाद नॉर्मल प्लेटलेट काउंट रेंज नॉर्मल प्लेटलेट काउंट रेंज कितनी होती है ह्यूमन्स में दैट इज़ वन लाख फिफ्टी थाउजेंड टू फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड प्लेटलेट्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड ओके नॉर्मल प्लेटलेट काउंट रेंज इज़ वन लैख फिफ्टी थाउजेंड टू फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड प्लेटलेट्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड ओके नेक्स्ट वन वाट इज़ द एवरेज लेंथ ऑफ स्मॉल इंटस्टाइन स्मॉल इंटस्टाइन की एवरेज लेंथ क्या होती है दैट इज एटीन फीट अगर फीट में बात की जाए तो एटीन और अगर मीटर्स में बात की जाए तो सिक्स पॉइंट फाइव ओके नेक्स्ट वन इज़ द एवरेज लेंथ ऑफ लार्ज इंटस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन फीट में बात की जाए तो फाइव फीट और मीटर्स में बात की जाए तो वन पॉइंट फाइव मीटर्स ओके नेक्स्ट मेटल प्रेजेंट इन ब्लड जो ह्यूमन ब्लड होता है उसमें कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है दैट इज़ आयरन ओके नेक्स्ट वन इज़ द ग्रेवयार्ड ऑफ आर बी सीज दैट इज़ प्लेन ठीक है नंबर ऑफ सेल्स इन ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स क्या होता है दैट इज़ अबाउट थर्टी ट्रिलियन ओके अबाउट थर्टी ट्रिलियन ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी नेक्स्ट वन इज द वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन ह्यूमन ब्रेन का वेट कितना होता है दैट इज़ अबाउट थर्टीन हंड्रेड टू फोर्टीन हंड्रेड ग्राम्स ओके नेक्स्ट वन विच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन ह्यूमन ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है दैट इज सेरेब्रम सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इस तरह से बात की जाए स्मॉलेस्ट पार्ट की तो स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा होता है दैट इज मिड ब्रेन ओके नेक्स्ट वन विच ग्लैंड इज कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड ग्लैंड में पढ़ा था मास्टर ग्लैंड हम किसे कहते हैं पिच्युटरी ग्लैंड को ठीक है जो कि सारे बाकी ग्लैंड को कंट्रोल करता है और पिच्युटरी ग्लैंड को खुद कौन कंट्रोल करता है दैट इज हाइपोथालमस ठीक है पिच्युटरी ग्लैंड इज कॉल्ड एज द मास्टर ग्लैंड एंड हाइपोथालमस इज कॉल्ड एज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड ठीक है क्योंकि पिच्युटरी ग्लैंड बाकी सारे ग्लैंड को कंट्रोल करता है और पिच्युटरी ग्लैंड को खुद कंट्रोल कौन करता है दैट इज़ हाइपोथालमस ओके नेक्स्ट वन विच ग्लैंड रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर इन ह्यूमन्स जो ह्यूमन्स का बॉडी टेम्परेचर होता है उसको कौन रेगुलेट करता है कौन सा ग्लैंड रेगुलेट करता है दैट इज हाइपोथलमस हाइपोथलमस रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन्स ओके नेक्स्ट वन द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट फ्राम कभी एम सी यू में स्टमक आता है तो स्टमक को टीक करते हैं ठीक है थीके? लेकिन स्टमक में डाइजेशन स्टार्ट नहीं होती है स्टार्ट माउथ से ही होती है बिकॉज माउथ में भी हमारे सैलवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं ठीक है और माउथ से ही हमारी डाइजेशन स्टार्ट होती है ठीक है फूड की डाइजेशन स्टार्ट होती है कहाँ से माउथ से ठीक है स्टमक टिक नहीं करना है माउथ से ही स्टार्ट होती है क्या डाइजेशन ओके हाउ मनी मेन ब्लड ग्रुप्स आर देयर ब्लड ग्रुप्स कितने होते हैं मेन चार होते हैं ठीक है चार होते हैं कौन कौन सा ए बी ए बी एंड ओ ओके देर आर फोर मेन ब्लड ग्रुप्स कौन कौन सा ए बी ए बी एंड ओ उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव होता है ठीक है विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल एक्सेप्टा किस वाले ब्लड ग्रुप को हम यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं दैट इज़ ए बी पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव इज द ब्लड ग्रुप दैट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल एक्सेप्टा इस तरह से बात की जाए यूनिवर्सल डोनर की तो वो कौन सा होता है ओ नेगेटिव ठीक है ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप इज द यूनिवर्सल डोनर एंड ए बी पॉजिटिव इज द यूनिवर्सल एक्सेप्ट नेक्स्ट वन वट इज द नॉर्मल एच बी लेवल फॉर मैन मैन की नॉर्मल एच बी लेवल क्या होती है दैट इज थर्टीन पॉइंट फाइव टू सेवनटीन पॉइंट फाइव ग्राम्स पर डेसीलीटर ओके इस तरह से वूमेन की बात की जाए दैट इज ट्वेल्व टू फिफ्टीन पॉइंट फाइव ग्राम्स पर डे लीटर ओके नॉर्मल यूरिन पीएच यूरिन का नॉर्मल पीएच क्या होता है दैट इज फोर टू फाइव पॉइंट एट फोर टू फाइव पॉइंट एट इज द नॉर्मल पी ऑफ यूरिन ओके नेक्स्ट वन वट इज द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन ह्यूमन्स ह्यूमस में नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स कितने होते हैं यू कैन से फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम्स और ट्वेंटी थ्री पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स ओके ट्वेंटी थ्री पेयर्स और फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी नेक्स्ट वन द कलर ऑफ स्किन इज ड्यू टू विच पिगमेंट हमारा जो स्किन होता है उसका कलर किस पिगमेंट की वजह से होता है दैट इज बिक ऑफ मेलेन पिगमेंट ओके मेलेन पिगमेंट इज द मेलेनियन पिगमेंट गिवज द कलर टू आवर स्किन ओके नेक्स्ट द कलर ऑफ यूरिन इज़ ड्यू टू इस तरह से जो हमारा यूरिन का कलर होता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ अ पिगमेंट विच इज़ कॉल्ड एज यूरोक्रोम और यूरोबिलिन ओके दीज वर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन बॉडी